तो दिस क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें दिया क्या है, फाइंड द सॉरी प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन 4x+7y इज इक्वल टू 9, 5x-8y+15 इज इक्वल टू 0 एंड 9x-y+6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रह गया इनका, ठीक है, आर कॉन्करेंट। तो सबसे पहले आपको मतलब समझना होगा कॉन्करेंट वर्ड का, ठीक है। तो कॉन्करेंट वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट से गुजर रही हो, ठीक है। तो अगर ये तीनों लाइन को कॉन्करेंट प्रूव करना है तो मैं करूंगा क्या, शुरू की दो लाइन लूंगा, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा और इंटरसेक्ट करा के मैं क्या करूंगा, पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है। और अगर ये जो थर्ड वाली लाइन है वो भी उस पॉइंट से गुजर रही होगी तो मतलब ये कॉन्करेंट है। तो मैं पहली वाली लाइन लूंगा 4x+7y इज इक्वल टू 9 और दूसरी वाली लाइन है 5x-8y इज इक्वल टू -15। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूं तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, बाय एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक वेरिएबल को क्रॉस आउट कर दो, मतलब हटा दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाई को एलिमिनेट करूंगा। तो मैं पहली वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 32x+35x इज इक्वल टू 9 8 जा 72 और 15 7 जा 105, ठीक है। तो ये जाएगा -105। तो ये आ जाएगा 32+35x, तो ये हो जाएगा 67x इज इक्वल टू 33, माइनस का 33, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -33/67, ठीक है। अब मेरी x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो लेट इक्वेशन वन में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन वन में जब मैं पुट करूंगा तो ये जाएगा 4 × -33/67 +7y = 9। यहाँ से y हो जाएगा, y आएगा 105/67, ठीक है। तो मेरा x और y आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो थर्ड वाली इक्वेशन है 9x-y+6 = 0, इसमें x और y की ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 9x-y+6 = 0। x होगा इसमें -33/67। तो अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगी ये इक्वेशन, तो मैं ये मान लूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हो जाएगा 9 × -33/67 - 105/67 +6 = तो इसको अपन को जीरो के इज इक्वल टू प्रूव करना है, तो अपन इज इक्वल टू जीरो लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -297/67 - 105/67 + 6 विच इज फर्दर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -297 - 105 +402/67, ठीक है। तो इससे पूरा तीनों कट आएंगे तो आएगा 0/67 विच इज फर्दर इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन जीरो के इक्वल प्रूव हो गई। तो मतलब क्या है कि मैंने किया क्या, कि मैंने एक लाइन ली, ठीक है, और दूसरी लाइन ली, दूसरी लाइन ली, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला और ये प्रूव कर दिया कि वो मेरी तीसरी लाइन से गुजर रहा है। तो मतलब ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।